हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की टिक्की। आइए हम देखते हैं टिक्की कैसे बनाते हैं। एक हम बड़े साइज का कटोरा ले लिए हैं, उसमें साबूदाना डाल दिए हैं। एक पानी इसका गंदा हम धुलेंगे। अच्छे से एक पानी धुलेंगे, इसका गंदा पानी निकाल देंगे। अब फिर हम इसमें पानी डालकर एक घंटे तक रख देंगे। एक घंटे हो गए हैं, पानी से निकाल के हम रख देंगे बाहर। मूंगफली हम पहले से ही भूज लिए थे, इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। आलू हम पहले से ही उबाले हुए थे, इसे हम छील भी लिए। अब हम इसे मैश करेंगे, साबूदाना डालेंगे। जीरा डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे। अब हम पीसे हुए मूंगफली डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं हम इसे अच्छे से मिला लिए हैं। अब हम हाथ में तेल लगा के इसका छोटा छोटा टिक्की बना लेंगे। तेल हम अच्छे से लगाएंगे, वरना ये हाथ में साबूदाना है चिपकेगा। आप देख सकते हैं टिक्की हमारी बन गई है गोली गोली। अब हम गोली गोली सारी टिक्की बना लेंगे। टिक्की हम बना लिए हैं। कढ़ाई में हम तेल डाल लिए हैं पहले से ही, तेल गर्म हो चुका। अब हम इसमें टिक्की डालेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा वो लाल हो चुका। अब हम इसको पलटेंगे। टिक्की को हम धीमी आंच में पकाएंगे। अब हम फिर से पलटेंगे, दूसरे साइड भी पक गया है। आप देख सकते हैं टिक्की बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खाने में क्रंची लगेगा। हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। टिक्की हमारी तैयार। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों के साथ टिक्की जरूर खाइएगा।